हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में चैप्टर वन द फन दे हैड। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसलिए आज अपने मीनिंग्स करेंगे ग्रोसरी। ओके, फर्स्ट ट्विंकलिंग मीन्स विथ मैनी फ्लोड और लाइन्स। ट्विंकलिंग का मतलब बहुत सारे फ्लोड मतलब मुड़ा हुआ और बहुत सारे लाइन हो, उसको क्या बोलते हैं ट्विंकलिंग। नंबर टू एटिक मीन्स ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। एक ऐसा स्पेस जो रूफ के एकदम नज़दीक हो, नीचे हो और वो स्टोर रूम के जैसे यूज हो सके, उसको बोलते एटिक। नंबर थ्री स्क्रॉनफुल कंटेम्प्टियस Showing you think something is worthless। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा शो करना अपने को, कुछ ऐसी चीज़ दिखनी जो worthless हो मतलब बेवजह की हो। नंबर फोर स्लोट ए गिवन स्पेस टाइम और पोजिशन। एक किसी भी जगह की स्पेस देना और उसके टाइम और पोजिशन के हिसाब से। नंबर फाइव ग्रिल्ड एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब अपने को कोई भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल के हिसाब से एकदम एडजस्ट होना, उसको बोलते हैं ग्रिल। नंबर सिक्स लुफ्टलिंग इन ए सुपीरियर वे, एक अलग ही तरीके से, उसको बोलते हैं लुफ्टलिंग। नंबर सेवन रेगुलर हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, एक नॉर्मल और यूजुअली थिंग्स के लिए मतलब रेगुलर थिंग्स अपने करते उसमें। नंबर एट बीच मीन्स इनफॉर्मल आई बीट यू इन इनफॉर्मल वर्ड है ये, एक बीच उसका मतलब है आई बीट यू इन फास्ट स्पीच, अपने फास्ट स्पीच में ऐसा बोलते हैं बीच। आई एम श्योर उसका दूसरा मीनिंग है आई एम श्योर। नंबर नाइन नॉन चैलेंटेटिक मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथेसिजम केयरलेसली, किसी भी चीज़ में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना और उसको केयरलेसली काम करना, उसको बोलते नॉन एंथेलेटिकली। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मीनिंग्स थे, आपको मैं रिमेनिंग एक्सरसाइज से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तब तक आपको मीनिंग्स याद रखने। देन योर होमवर्क वॉज इंग्लिश प्रैक्टिस ग्रोसरी वन टाइम इन नोटबुक। आपको जो ग्रोसरी है वो वन टाइम लिख के नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।